का नज़ारा कुछ इस तरह है। इतना महंगा बिरयानी मिल रहा है कि महीने में खा लोगे तो 10-15 हज़ार जाएगा। एक दिनार 300, एक दिन मेरे को 100 ग्राम का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर है भाई इतना बड़ा, कभी कभी इतना छोटा ऑर्डर आ जाता है कि हाथ में झपला के लुटा के लेके चलो। तो भाई अभी फ़िलहाल मैं फिंतास में हूँ और यहाँ पे आया था, मैं सोचा था यार जाके बिरयानी वरियानी खाता हूँ, भाई बहुत महंगा दे रहे हैं। तो अभी चल रहे हैं ग्रैंड में भाई खाना खाएंगे कुछ। और यहाँ 400, इतना महंगा कौन खाएगा भाई। तो यहाँ पे गाड़ी किया था, चाय पी लिया भाई, अभी चलेंगे ग्रैंड में, वहीं पे खाना लेते हैं और मसरे के इधर से लेते हैं फार्म। तो भाई अभी चल रहे, यहाँ का नज़ारा कुछ देखो कितना मस्त है। और अभी मैं फिलहाल ग्रैंड में आ चुका हूँ, चलेंगे देखते हैं किधर मिलेगा। और मुझे ये सामने जाना है इधर, और वहाँ से खाना लेंगे भाई। तो चलो देखते हैं कितने में मिलता है, कितना मस्त नज़ारे देख रहे हैं। और यहाँ का ऐसा देखो कुछ, ये इस तरह व्यू है भाई। पंद्रह पच्चीस, अभी दिखाते हैं भाई कैसे रेस्टोरेंट में आएंगे। यहाँ पे भीड़ भाई, 10-15 मिनट लगेगा भाई। मेरे को पर्ची मिल गया ये, और ये कितने का मिला मालूम है, देखो 1 दिनार 350 का। यहाँ पे ऐसे बैठ के खा सकते हो भाई, देखो कितना मस्त बनाया है। इसमें 4 जन बैठ के खाते हैं। तो भाई खाना मिल गया, आप लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर होटल में खाओगे भाई तो 1 रुपया नहीं बचेगा, इतना 100%। अगर तुम्हारी सैलरी 130 या 140 तक है। चलो अभी दिखाते हैं क्या क्या है इसमें। अभी ऑर्डर आ गया है, तो पहले ऑर्डर ले लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑर्डर है, कौन से रेडी होएगा तो अच्छा है, नहीं तो यहाँ से गाड़ी खड़ी करेंगे। यहाँ पे पार्किंग बहुत मुश्किल है भाई। ये देखो भाई, ये चटनी है, ये आधा मुर्गी है, और ये सलाद है, और ये थोड़ा इसका रायता है। तो ये भाई, ये मुझे कितने में पड़ा, 1 दिनार 350 में। आप समझो कि 1 दिनार 350 आसपास, कुछ 500 के आसपास हो गया भाई, इतना महंगा है। इतना ज़्यादा पब्लिक है, कहाँ से ऑर्डर मिलेगा भाई, 1 घंटा लगे। बहुत टाइम लग रहा भाई एक एक ऑर्डर लेने में, देख रहे हो कितना कर दिया है। 20 किलोमीटर भाई, सिर्फ 10 मिनट में पहुंचना रहे थे, देख रहे हो कितना फास्ट गाड़ी जा रही है। और इतना स्पीड में हम चल रहे हैं, अगर इससे स्लो चलेंगे तो पीछे वाला मार देगा भाई। अगर ये साइड में जाएंगे तो मेरे को 120 के स्पीड में चलना रहेगा। अभी सब जगह पे भाई देखो, ये ना इगीला में गेट मॉल के पास में, पहले ये सिग्नल पे कुछ भी नहीं था, कैमरा वगैरह नहीं। अभी देखो इतना बड़ा बड़ा कैमरा लगा दिया ना, अगर मोबाइल से बात करते रहोगे तो भी मार देगा। तो यहाँ सब आना तो ध्यान से आना भाई, अब कैमरा लग गया है। सब लोग बोल रहे हैं भाई कुवैत में काम तलबात का है कि नहीं, तो भाई बिना काम कर रहे ये सब गाड़ियाँ काम कर रहे हैं बंदे। चलो दिखाते हैं पास से, ये देखो कितने बंदे लाइन लगा कर रहे हैं भाई। काम करने वाले के लिए काम बहुत है, ना करने वाले के लिए कुछ भी काम नहीं है, ऐसे काम करते हैं। तो जाइज में जो कार देता है, ये देखो ये ऐसा वाला कार रहता है,
और ये इधर कितने बंदे खड़े हैं बाइक से काम कर रहे हैं। और अभी फिलहाल मैकडोनल्ड पे हूँ, देखो इधर सब बैठे हैं। आप इधर भाई अभी बाइक वाले का एक जन एक्सीडेंट किया है, तो मैं अभी ऑर्डर लेके जा रहा था तो देखा बाइक वाले का एक्सीडेंट हुआ इधर बहुत बुरा। ये सब जो गाड़ी दिख रही ना, ये देखो सब जो रुके ना बाइक वाले को ठोक दिए, बहुत बुरा, बहुत। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, लेकिन बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनो।